विद कंप्लीट ग्रुप, वंदे मात। बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत जोश में कर रहे हैं। आप लोग खड़ा हुआ, आप लोगों के लिए खड़ा है, आज भी खड़ा है और रात को भी खड़ा है, दिन को भी खड़ा है। उसको जरा याद करो, उसकी कुर्बानी को याद करो, तो आप एक घंटा दो घंटा खड़ा रहना भूल जाओगे आप लोग। और उस सैनिक का जो खड़े हैं जो सीमा पर, उनकी वजह से हम यहाँ खुशहाल हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, बलिदान दिया है, सर्वोच्च न्यौछावर किया है, उनकी वजह से चीफ गेस्ट साहब से उनके अवार्ड दिलवाए जाएंगे। मेरे से बार बार पता नहीं कुछ चीफ मिनिस्टर निकल रहा है राव साहब के लिए ऐसे वो अपना प्रोग्राम दे रहे हैं और उनके अंदर जो जिस प्रकार का जोश और खरोश और उत्साह है। उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वासियों प्रदेश वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव है, ये साल में एक बार आता है। अमृत महोत्सव 75 साल के बाद आया है और ये खुशी का त्यौहार है, सारे देशवासियों को मिलकर मनाना चाहिए। सभी त्योहारों से बड़ा आजादी का त्यौहार है। जैसे कि 15 अगस्त पे तिरंगा झंडा होता है, आज के दिन तो माना जाता है, कल के दिन उनको फेंक दिया जाता है या फाड़ दिया जाता है या मैला हो जाता है, उसके बारे में नहीं। अब लोगों में जागृति आई है, मेरा मानना है कि अब ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने लगाया वो प्यार से लगाया, कोई जोर जबरदस्ती लगाया, और ये किसी पार्टी किसी व्यक्ति का झंडा नहीं है, देश का झंडा है, नेशनल फ्लैग है। सब लोग इसकी इज्जत करते हैं, सब लोग इसको सैल्यूट करते हैं और आने वाले समय में हम सभी अपने अपने घरों पर झंडा रखेंगे।